जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाली 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट BTS। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के साथ। तो जैसे कि आपको पता है, जिन है BTS का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर और वो इस साल होने वाला है 30 साल का। और जिन है BTS में सेकंड टॉलेस्ट मेंबर आफ्टर RM और उसकी हाइट है 179 सेंटीमीटर और उसका वेट है 63 किलोग्राम्स। ये कुछ ज्यादा TMI हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोरियन वेबसाइट से ढूंढी, तो काफी रिलायबल है। मतलब कि आपको इतनी अच्छी छपरी यूट्यूबर कहां से मिलेगी। और एक्चुअली जिन से मेरा काफी लगाव है, क्योंकि जब मैं 5 साल पहले आर्मी बनी थी ना, तो जिन था मेरा BTS का सबसे पहला बायस। अगर आपको भी याद है कि आपका सबसे पहला बायस BTS में कौन था, तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। सो नंबर वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, फैमिली। BTS में से जिन की फैमिली सबसे रिच फैमिली है और सबसे मिस्टीरियस फैमिली है, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। और ऑनलाइन आपको सिर्फ 2 ही फोटो मिलेगी, पुरानी फोटो उसकी मम्मी की और उसके पापा की। जिन ने एक वी लाइव में बताया था कि उसके पापा एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है, कोरिया में बेस्ड नहीं है। और वो वाली कंपनी जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बाकी दुनिया में सप्लाई करती है। जिन की मम्मी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन सारे BTS मेंबर बोलते हैं कि जो जिन का फेस है ना, सेम टू सेम उसकी मम्मी की तरह दिखता है। और जिन की मम्मी की फोटो सिर्फ ये वाली है हमारे पास, और उनकी शक्ल बहुत ही मिलती जुलती है फॉर्मर मिस कोरिया से। सो उसकी वजह से बहुत सारे आर्मी सोचते हैं कि शायद जिन की मम्मी फॉर्मर मिस कोरिया होगी, क्योंकि वो इतनी सुंदर दिखती है। लेकिन ये सिर्फ एक रूमर्स है, तो हमें पक्का नहीं पता कि उसकी मम्मी कौन है। जिन का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है किम सॉक जूंग, और वो उससे 2 साल बड़ा है। और आपकी छपरी खबरी जासूस पूनम दीदी ने उसका इंस्टाग्राम ढूंढ लिया, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो जिन के बड़े भाई की 2 साल पहले शादी हो चुकी थी, और अभी वो एक बाप का बच्चा बनने वाला है। नंबर 2 नेटवर्थ। सो जिन का नेटवर्थ है 150 करोड़ रुपए, अमीर लोगों की बातें। नंबर 3 स्काउटिंग। सो बचपन से जिन बहुत ही हैंडसम और बहुत ही गुड लुकिंग था, उसकी वजह से उसको बहुत बड़ी कंपनी से, एंटरटेनमेंट कंपनी से ऑफर मिलते थे। एक बार उसको SM एंटरटेनमेंट से ऑफर मिला, और कुछ दिन बाद में उसको बिगिट का ऑफर मिला। सो बेसिकली जिन बस से उतर रहा था, और बस स्टॉप पर था बिगिट का मैनेजर। तो बिगिट का मैनेजर ने जिन को देखा और सोचा कि अरे ये तो बहुत हैंडसम लोंडा है, इसको पटाना पड़ेगा। तो बिगिट के मैनेजर ने जिन को दिया अपना कार्ड और उसको बोला कि प्लीज हमारी कंपनी में आना ऑडिशन देने के लिए। और थैंकफुली इस टाइम जिन ने ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करा, क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान था एक्टर बनने का, और बिग हिट में एक कंपार्टमेंट था जहां पर आप एक्टर बन सकते हो, एक्टिंग सीख सकते हो। तो उसकी वजह से जिन ने सोचा कि चलो मैं बिग हिट में जाता हूँ एक्टिंग की ऑडिशन देने के लिए। लेकिन फ्यूचर का प्लान जिनके लिए अलग ही था, तो वो एक्टर की जगह एक आइडल बन गया। नंबर 4 आइडियल गर्ल। सो क्योंकि जिनको खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसकी फ्यूचर वाइफ को खाना बनाना आना चाहिए, और उसके बाद में उसको क्यूट, केयरिंग और सपोर्टिव लड़कियां पसंद है। और लुकिंग वाइज उसको वो लड़कियां पसंद है जिनके लंबे शाइनी चमकीले बाल हों। और एक और चीज जो कि शायद आपको पसंद नहीं आएगी, वो ये है कि जिनको जो पेल स्किन लड़की होती है ना, वो ज्यादा पसंद है। उसमें कोई गुस्सा होने की बात नहीं है, क्योंकि कोरियन कल्चर ही अलग ही कल्चर है, जहां पर माना जाता है कि अगर आपकी स्किन पेल हो ना, तो आप सुंदर माने जाते हो। नंबर 5 फूड। उसको स्ट्रॉबेरीज बहुत ही पसंद है, लेकिन जो स्ट्रॉबेरीज फ्लेवर खाना होता है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऑपोजिट, उसको चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन जो चॉकलेट फ्लेवर खाना होता है ना, वो उसको पसंद है। सो गाइज, ये रहे हमारे 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जिन। और अभी हम बात करते हैं हमारे सैविज किंग सुगा के बारे में। तो सुगा का बचपन जिन के बचपन से टोटली ऑपोजिट है। जिन पैदा हुआ था एक बहुत ही रिच और वेल्थी फैमिली में, और सुगा पैदा हुआ था एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पुअर फैमिली में। सो सुगा के मम्मी पापा बहुत ही मेहनत से काम करते थे और पैसे बचाते थे। वो कभी भी अपने बच्चों को घूमने नहीं लेके जाते थे, कभी भी कोई पार्टी वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बचपन में सुगा के पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और वो चाहते थे कि सुगा पढ़ाई करके बड़ा होके गवर्नमेंट जॉब करे। सो क्योंकि सरकारी नौकरी काफी अच्छी मानी जाती है, उसका पे भी अच्छा होता है, स्टेबल भी होती है, तो उसके पापा ये चाहते थे कि वो ऐसा काम करे ताकि उसको फ्यूचर में पैसों की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन बचपन से शुगा को पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और वो हमेशा म्यूजिक पर ही कंसंट्रेट करता था। और सीक्रेटली उसने बिगिट के लिए ऑडिशन करा, और जब उसने ऑडिशन पास करा, तो 2 साल के लिए उसके पापा बिल्कुल ही अपोज थे म्यूजिक करियर के लिए। और फाइनली जब शुगा ने BTS में डेब्यू कराना, तो उसके पापा बहुत ही खुश हो गए थे, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि फाइनली उनके बेटे ने उनका नाम रोशन करा।그렇습니다. 예, 되게 자랑스러운 아들이 된 것 같아요. 그래서 저희 어머니, 저희 형 너무 감사하고 사랑합니다. 감사합니다. Number 2, Networth. Jihyo के बाद में Suga है second richest BTS member, और उसका net worth है 162 करोड़ रुपीस। Number 3, Name. क्या आपको पता है कि Suga का नाम Suga क्यों रखा हुआ गया?
सुबांग पीरी ने युंगी का नाम शुगा इसलिए रखा क्योंकि शुगा की जो स्किन है ना वो बहुत ही व्हाइट है, बिल्कुल शुगर की तरह, चीनी की तरह, और जो उसका गमी स्माइल है ना वो बहुत ही स्वीट है चीनी की तरह, तो उसकी वजह से शुगा। और शुगा का सेकंड स्टेज नेम है ऑगस्ट डी, और अगर आप ऑगस्ट डी को बैकवर्ड पढ़ोगे ना तो स्टार्टिंग में आता है डी टी, डी का मतलब है देगू जहाँ पर की शुगा पैदा हुआ है, टी टाउन, देगू टाउन, और ऑगस्ट को अगर आप बैकवर्ड पढ़ोगे ना तो वो बन जाता है शुगा। नंबर फोर, आइडियल गर्ल। तो शुगा की हाइट है 174 सेंटीमीटर और उसका वेट है ना वो बहुत ही कम है जो कि है 59 किलोग्राम्स। तो उसको वो लड़कियां पसंद है जो कि उससे हाइट में छोटी हो क्योंकि वो ज्यादा क्यूट लगती है। सो गाइस, मैं एडिटिंग कर रही थी और मैंने रियलाइज करा कि जो बाकी का फुटेज है ना वो पूरा बर्बाद हो गया। ये तो होना ही था, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। #poorinnerstruggles। तो अभी मैं वो बाकी वाला पार्ट वापस शूट करने वाली हूँ, और एक्चुअली अभी मैं आई हुई हूँ इस कन्वीनियंस स्टोर में और यहाँ से मैंने खरीदी है ये वाली जिन की कॉफी। सैडली शुगा की सोल्ड आउट हो चुकी थी और सिर्फ ये वाली बची थी, तो फिर भी आई एम क्वाइट लकी। सो हम बात कर रहे थे शुगा की आइडियल लड़की के बारे में, और एक आर्मी ने शुगा से पूछा था कि तुम्हें कौन सी हाइट पसंद है, कौन सा वेट पसंद है। तो शुगा ने बोला था हाइट होनी चाहिए फ्रॉम 155 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर, और जो वेट है ना वो होना चाहिए फ्रॉम 43 टू 47 किलोग्राम, विच अकॉर्डिंग टू मी इज सुपर अनहेल्थी। लेकिन कोरियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्पेशली आइडल के हिसाब से, 47 किलोग्राम इज वेरी हेल्थी, बट आई डोंट नो। एज फॉर स्किन कलर, शुगा को स्किन कलर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़की काली हो पीली हो उसको सब चलता है। और एज फॉर पर्सनैलिटी, उसको एक थॉटफुल केयरिंग लड़की चाहिए जो कि ज़्यादा बातें ना करे और जो क्यूट हो लेकिन बहुत ही समझदार हो। नंबर फाइव, फन फैक्ट, फोबिया। तो हमारे सैवेज किंग को किस चीज़ से डर लगता है? शुगा को डर लगता है फायरवर्क्स, जो पटाखे होते हैं ना उसके साउंड से, गाय से डर लगता है, और उसके पापा से डर लगता है। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि इन सारे फैक्ट्स में आपको कितने सारे पता थे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब और बहुत ही गरीब वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना, एंड आई लव यू, बाय। ओनर तुम हे इरुमी बोंजु आसेयो? हेयो आमी जोए। उसमें मुंजा उ